गुड मॉर्निंग फ्रॉम सियोजधार। रात को बहुत लेट हो गए थे हम और रात को बहुत जल्दी हमने यहाँ पे टेंट लगा दिए और हम सो गए थे डिनर करके। अभी सुबह बहुत जल्दी उठ गया हूँ, सब सोए हैं। अभी कॉफ़ी बनाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे सियोजधार को, क्योंकि अभी इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता कि हम सियोजधार के किस पॉइंट पर सोए हैं रात। अभी सियोजधार को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ की चीज़ें कैसी हैं और कैसा रहता आगे का। फिलहाल ब्रेकफास्ट के बाद बनेगी हमारी कॉफी और इस टाइम धूप चली गई। हमारी जो कैंपिंग थी वो पूरी हो गई और अब हम वापस जा रहे हैं भदरवाह के लिए। हमने रात को यहाँ स्टे कर लिया, मॉर्निंग में कॉफ़ी और मैगी भी हो गई। अब बहुत टायर्ड हैं और सोच रहे हैं इस पर थोड़ी सी राइड कर लेते हैं, सियोजधार की जो मेडोज़ हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। पहलगाम और गुलमर्ग के बाद अगर कोई खूबसूरत जगह जम्मू एंड कश्मीर में है तो वो है सियोजधार। आप देख सकते हैं पूरा जो है यहाँ का व्यू है ऑलरेडी। हमारा कुछ सामान इस पे आ रहा है क्योंकि थोड़े से हम टायर्ड हैं और अब हम आराम से जाना चाहते हैं। सियोजधार में कैंपिंग का मज़ा ऑसम है, बहुत बड़ी जगह है। उस साइड से बसंतगढ़ के लिए रास्ता है, इस साइड से कैलाश कुंड, जहाँ से फिर छतरगढ़ और फिर भदरवाह। बट वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड बिकॉज ये रास्ता अब हमें भदरवाह लेके जाएगा। अब देखते हैं ये रास्ता कितना लंबा रहेगा, टाइम ड्यूरेशन कितनी रहेगी और हम यहाँ से कितनी देर में पहुँचेंगे। लेट्स बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और बारिश बहुत जल्द होने वाली है, हमारा सामान पैकअप हो रहा है और हम यहाँ से घर जा रहे हैं। बारिश स्टार्ट है होना और हम यहाँ से जाने का पूरा सिस्टम हमने ओके कर लिया है। हम यहाँ से जा रहे हैं सियोजधार, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कैंपिंग करने के लिए। स्टे करो यहाँ पर और यहाँ पर किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी की भी फैसिलिटी है। मैंने जब बसंतगढ़ आया था तब मैं यहाँ नहीं आ पाया और आज मैं यहाँ आया हूँ, तो हमने बहुत इन्जॉय किया। आज हम स्टे करेंगे यहाँ पे, बट वो इतना पॉसिबल नहीं होगा। पहले बहुत टायर्ड हैं, 15-20 किलोमीटर चल गए हैं, 10 किलोमीटर और चलना है और बारिश का मौसम बहुत ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि बारिश कभी भी यहाँ पर हो जाएगी। अब इसके बाद हमने अपना थोड़ा सा सामान जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ उन पर चढ़ा दिया है और हम इस रूट से भदरवाह वाले रास्ते जाएंगे। 8-10 किलोमीटर ये भी अभी हमने ट्रैक करना है।
We've been walking since 4 hours और अच्छी बात यह है कि सारा ढलान में है और इजीली हम ट्रैक कर रहे हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि सामान हमारा सारा नीचे पहुंच गया। कैंपिंग करना, ट्रैकिंग करना, ड्रीम डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए इतना चलना तो पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो बनता है। एनर्जी सेव करके और बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन को ना छोड़ के आप ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकते। इतना इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए पानी, बिकॉज गला सूख गया पूरा और नो सोर्स ऑफ वाटर एनीवेयर। सो एक सजेशन सबके लिए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है लाना, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर, बिकॉज आपको पूरे रास्ते में बहुत मुश्किल से कहीं एक जगह पानी मिलेगा, अनलेस आपको वो भी नहीं मिलेगा, और कहीं पर होगा भी तो वो बहुत दूर होगा। आप ऑलरेडी इतना चल रहे हो तो पानी के लिए आप डाउन हिल्स पर नहीं जाओगे। एट सर्टन टाइम आई वाज लाइक, वी वर लाइक, लेट्स गिव अप, जहाँ है वहीं पर कैंप करके सो जाते हैं। बट फिर से एक प्लान के साथ जो हम चले थे, उस प्लान को हमने पूरा किया, और जो सोच के गए थे कि हम कैसे कैसे जाएंगे, कहाँ हमारा हॉल्ट होगा, कहाँ हमारा कैंप होगा, कैसे हम सिवसधार का ट्रैक भी देखेंगे, वो हमने कर लिया। इतना बोल रहा हूँ, आई नो हाउ आई एम मैनेजिंग, बिकॉज पानी दिला दो, बस पानी मिल जाए उसके बाद। भूख तो नहीं लगी है, ज़रूरी इस टाइम पे है, बट देखते हैं व्हाट्स इन आवर डेस्टिनी। हमारे ट्रिप में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो पहले से ही ऊपर वाला प्लान करता है, हम तो बस उस फ्लो में चल रहे हैं, कहाँ पानी मिलेगा और कहाँ पर हम कुछ खाएंगे। विश थी कि पानी मिले, बट यहाँ तो खाना भी मिल जाएगा, थैंक्स टू गॉड लंगर फैसिलिटी अवेलेबल रास्ते के बिल्कुल बीच में। इतना टेस्टी था और लंच करने में बहुत मज़ा आया, उसके बाद चाय पी और अब पहुंचेंगे वापस नीचे। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर लंगर लगा होगा और इतना अच्छा खाना मिलेगा। थैंक्स टू दीज पीपल एंड ऊपर वाले को भी थैंक्स जिसने हमारी विश सुनी। थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था कि यार पानी मिल जाए, बट पानी भी मिला, लंच भी मिला और चाय भी मिली। मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कपिलास ट्रैक और सिवसधार ट्रैक का, तो एज़ पर माई नॉलेज और जितनी अभी मुझे पता था उसके हिसाब से मैं जितना बता पाया और जितना पॉसिबल हुआ मैंने बताया। इन केस कुछ मिस हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। आप अगर कभी भी प्लान करें तो एक अच्छे प्लान के साथ प्लान करें और थोड़ी रिसर्च करें। और पहुंच गए बिल्कुल वहाँ नीचे, गाड़ी हमारा वेट कर रही है, अब जाएंगे डायरेक्ट होटल। और ये देखो भद्रवा, इट्स टाइम टू से बाय टू भद्रवा एंड दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमने 2 दिन स्टे किया, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी टू स्टे इन भद्रवा, बेस्ट फूड सर्विस एंड कस्टमर डीलिंग इज ऑल्सो गुड। अब यहाँ से चलते हैं चिनोत मंदिर की ओर और ठाकुर विला घूमते हैं। बाय, प्रॉपर्टी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप कभी भी आएँ और कॉन्टैक्ट करें और यहाँ पर अपनी बुकिंग करें और इन्जॉय करें इनकी ब्यूटीफुल सर्विसेज को। अभी चलते हैं यहाँ से फिलहाल चिनोत मंदिर और करेंगे भद्रवा को अलविदा। अभी हम गाठा लेक में हैं और थोड़ा सा चिल कर रहे हैं बिकॉज वी हैव फुल डे। भद्रवा में सिवसधार ट्रैक बहुत अमेजिंग था और वी रियली गोना मिस, बिकॉज जो हमें वहाँ का एक्सपीरियंस था वो हैपनिंग था, वो बहुत कूल एक्सपीरियंस था। और आई विश आप भी ये सब जरूर एक ना एक बार ट्राई करें, बिकॉज लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस बनता है। और अब फिलहाल करते हैं सिवसधार वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड, जल्दी मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में एक नई जगह पर।